स्वावलंबी बने, खुद आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाए। आ सूत्र ऊपर सिडबी द्वारा योजायो एक एवो मेळो जेमां घणी बधी हस्तकलाओ लोको सुधी पहोंचाडवानो अवसर मळ्यो। आ मेळामां एवी अनोखी हस्तकलाओ रजू करवामां आवी जेने जोईने लोको दंग रही गया अने बोली उठ्या, वाह शुं कला छे। करीब 146 आरडीएम्स और माइक्रो एंटरप्रेन्योर पाए हुए हैं, जिसमें 90 के आसपास महिलाएं हैं। और इसके माध्यम से हम लोगों को यहां अपने अपने प्रोडक्ट्स का और अपने क्राफ्ट का डिस्प्ले और सेल का मौका दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों में ही करीब 46 लाख की सेल हो गई है लोगों की। और सिडबी की ओर से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दी गई है और खाने पीने का पूरा प्रबंध किया गया, ताकि वो निश्चिंत होकर यहाँ पर अपने सेल कर सकें। इनके स्किल एनहांसमेंट के लिए भी हम लोग यहाँ पे सेशन रखते हैं, ताकि उन्हें अपने बिजनेस को अगले स्टेज पर ले जाने में मदद मिले। ज़्यादातर लोग तो कपड़ा ही खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे कला के सच्चे प्रशंसक यहाँ आते हैं और जो सच्ची आर्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह की आर्ट्स आई हुई हैं। खासकर आप देखिए, नेल पेंटिंग का अलग है, टांगलिया है, पटोला है और मैच स्टिक आर्ट है, बम्बू आर्ट है। तो इन सबको सराहने वाले इनके प्रशंसक भी यहाँ काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। નાનપણમાં રમતા રમતા શીખેલી કળા છે, જેને હું ગોડ ગિફ્ટેડ તરીકે ખાઉં છું, એને નેલ આર્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અત્યારે। નેલથી પેઇન્ટિંગ પેપર ઉપર બનાવવામાં આવે, એમ્બોઝિંગ કરીને તેમાં એક પેપર ઉપયોગ થાય જે નોર્મલ ચાર્ટ પેપર છે, બરાબર। એની ઉપર નેલ્સથી એક સ્કેચિંગ કરવામાં આવે, જેમ કે પેન્સિલથી નોર્મલ પેઇન્ટિંગ પેન્સિલથી સ્કેચિંગ કરવામાં આવે, એ રીતે પેપર ઉપર નખથી પેપરને ડ્રો કરી અને એમ્બોઝ કરવામાં આવે છે। આ એક ફ્રી એન્ડ સ્કેચ હોય, જેમાં ખૂબ જ સાવધાનીથી આ સ્કેચિંગને કરવામાં આવતું હોય, કારણ કે મિસ્ટેક થઈ જાય તો આપણું પેઇન્ટિંગ ખરાબ થઈ જશે। આ રીતે એક સ્કેચ જે નોર્મલ છે તૈયાર થાય, સ્કેચિંગ તૈયાર થયા પછી એને કલર પ્રોસેસ થાય। તો આ ડેનિમ કપડા ઉપર કલર નાખેલો છે, જે ઓઇલ કલર છે, ઓઇલ મિશ્રિત ડ્રાય પાવડર કલર હોય, અને ચાર બેઝ કલર ઉપયોગ કરવામાં આવે, જનરલી લાલ, પીળો, લીલો અને વાદળી। અને કલર કરવા માટે પેપરને ઉપર ઘસી અને મિશ્રિત કરવામાં આવે કલર। ગ્લોબલ રેકોર્ડ તરીકે મેં એક કામ કર્યું અને આ રેકોર્ડ છે, એ સૌથી નાનું, વિશ્વનું સૌથી નાનું નેલ આર્ટ પેઇન્ટિંગ તૈયાર છે, કે પેઇન્ટિંગ બનાવવામાં નખના શેપને ચેન્જ કરવો પડે। તો આ 1x1 સેન્ટીમીટરમાં એલિફન્ટ બનાવેલો છે। એ રીતે આ કામ કરવામાં વિશેષ નખના શેપને ચેન્જ કરી અને 3 અલગ અલગ પોઈન્ટ કરીને આ કામ કરેલું, જે આની મેઇન વિશેષતા છે। નેલ આર્ટ કદાચ કોઈ કરે, પણ આ જે કામ કરવું છે એના કાઉન્ટની ખબર પડે તો જ શક્ય બને, નહીતર ન બને। મેજિકલ મોમેન્ટ ક્રિએટ થયું હોય અમારા સામે એવું જોવામાં આવ્યું, એટલે અમને રસ પડ્યો કે આ કઈ રીતે કરે છે। તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ નેલ્સ, એટલે નેલ્સને યુઝ્યુઅલી આપણે કંઈ બોડીમાં ઇમ્પોર્ટન્સ જ નથી આપતા, પણ એક નેલથી પણ આપણે આટલું સરસ આર્ટ કરી શકીએ, અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જાણે, અને પ્રાઉડ ફીલ થાય છે કે આપણા ઇન્ડિયામાં આવા સરસ સરસ આર્ટિશિયન્સ છે, જેને આપણે ક્યારે ખુદ અહીંયા રહીએ છીએ તો પણ અમને ખબર નથી। તો આવા આર્ટને ઇન્ડિયા લેવલે, ઇવન ગ્લોબલ લેવલે આપણે ખૂબ જ આગળ વધારીએ। मेरे पप्पा के साथ जहाँ पे फुटपाथ पे मेरे पप्पा चाबी बनाते थे, उन्हीं के साथ बैठकर मैं वहीं से माचिस की तीलें जो फुटपाथ पे लोग बाग जो बीड़ी सिगरेट पी के फेंक देते थे, उसको मैंने उठाई और उससे मैंने माचिस की एक चेयर बनाई। अब वो चेयर बनाने के बाद मुझे एक इंसान, एक भाई आते हैं और कहते हैं कि आप ये चेयर आपने बनाई तो क्या ये बेचने के लिए बनाई है या फिर इसे किसी को गिफ्ट करने के लिए बनाई। तो मेरे मगज में उस वक्त से ये जहन में बैठा कि ये फुटपाथ से उठाई हुई चीज़ें और इसकी इतनी कदर हो रही है, तो क्यों ना मैं कुछ नया करूं। और जब से ही मेरा कारवा मैंने ये शुरुआत की, जैसे चेयर बनाई, फिर टेबल बनाया, फिर घोड़ा गाड़ी बनाई, माचिस की तीलियों से अलग अलग चीज़ें बनाई, रॉयल्स रॉयस कार बनाई,
फिर एक बार ख्याल आया कि माचिस की तीलियों से कुछ चीज़ बड़ी बनाई जाए। मैं मैंने चालू करा माचिस की तीली से ताजमहल बनाने का काम। अब वो बनाते बनाते मुझे 1 साल 19 दिन लगे, और जिसमें कम से कम 75,000 यानी कि 75,000 माचिस की तीली का यूज़ हुआ। नेशनल अवार्ड मुझे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया, और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मुझे मिले हैं। कस्टमर लेने का जो कस्टमर रहता है, दमदार कस्टमर आते हैं लेने के लिए, जो चीज़ को समझता है उनका कुछ, उनका हम लोग को सामान में जितना दम है, वो लोग कस्टमर आते हैं उनका भी अंदर इतना जो से दम है, जो ले सकते हैं लेते हैं, समझते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। अहियाँ मैं डिस्प्ले में हमारी कंटेम्प्ररी आर्ट की जो मैं सीरीज बनाई थी, सीरीज ऑफ मोटिवेशन नाम से एनू मैं डिस्प्ले मूक्यू थे। खूब सरस मारो एक्सपीरियंस रहो थे आम, अने मने खूब सारा फीडबैक्स मळ्या छे मारा आर्टना, के जे लोकोने खूब नवुं लागे छे अने खूब कंईक जुदू लागे छे। अने इवन जैकेट्स ने बधुं भी सरस छे अने वेरी रीजनेबली प्राइस, अने बधा ज आर्टिसन्स आ वेरी क्रिएटिव, एटले बधाना स्टॉल्स जोवानी बहु मजा आई। लगभग 2-2.5 कलाक स्पेन्ड कर्यो अहींया। गुड न्यूज गुजरात माटे अमदावादथी लक्ष्मण राजपूत साथे ख्याति बाजपाई जैनो रिपोर्ट।